बाबा वैराग्यानंद की भी, उसमें भी हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टरों से जुड़ी हुई ये खबर है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर मौके से रायपुर में हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज प्रदेश भर में जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, और इसका नजारा यहाँ पर अम्बेडकर अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। जो तमाम जूनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो OPD है उसमें वो नहीं जाएंगे। पूरी तरीके से जो कामकाज है वो आज बंद हो गया है, लेकिन मरीजों की बात की जाए तो मरीजों को काफी परेशानी इससे हो रही है। सीधे तौर पर इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मारपीट पश्चिम बंगाल में की गई है वैसी नौबत राजधानी रायपुर में भी आती रहती है, तो मरीजों को खासतौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ मरीज से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो काफ़ी अहम होते हैं, और इस तरीके से अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो पूरी तरीके से जो अस्पताल का कामकाज है वो प्रभावित होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हड़ताल चल रही है, कुछ मरीज हैं उनसे जाने, ये आप आए हैं यहाँ पर क्या इलाज के लिए? दिलवारी प्लेट। हड़ताल से असर तो पड़ेगा? हाँ। पता था आपको पहले हड़ताल? नहीं पता नहीं। क्या परेशानी होगी इससे? दिलवारी में प्रॉब्लम रही, इसने हार्ट की बीमारी, हार्ट हो गई, वो करना हो लेके तो हो नहीं पा रहे अब ठीक से। अभी ठीक है, बंद ठीक है, ठीक है। OPD बंद है तो परेशानी बहुत हुई। हाँ, तो सीधे तौर पर मरीजों को परेशानी हो रही है। कुछ और है मरीज, उनसे बात करते हैं। अम्मा कहाँ से आए हो आप? मैं इस बार से। ये पता था धरना आज प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है, OPD बंद है? पता नहीं है सर, ये प्रदर्शन डॉक्टर लोग कर रहे हैं तो OPD बंद रहेगा तो परेशानी तो होगी आप लोग? परेशानी होगा, का गर्भवती वाले हमन जाँच करा बोला था टिकट, परेशानी हुई उसका दुख से हमन आते हैं तब परेशानी। पर्ची कटा ले होगा? हम अभी नहीं कटाए, वो इलाज के लिए वाला इलाज के लिए आए अभी, वो जैसे सिंपल वाला ये जो HIV जाँच वाले पर आए है। तो अब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा है, और इस तरीके से अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, हड़ताल पर हैं, तो निश्चित तौर पर सीधे मरीजों को उसका नुकसान होगा। बड़े दूर से मरीज यहाँ पर बड़े बड़े इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस तरीके से OPD बंद है तो उनका इलाज आज नहीं हो पा रहा है। जुड़े हुए हेमंत, क्या ताज़ा अपडेट है अभी? देखिए अभी भी जो डॉक्टर्स हैं जिसमें जूनियर और दोनों डॉक्टर शामिल हैं, अभी भी उनका हड़ताल वहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई थी, मरीज का इलाज एक डॉक्टर कर रहा था, और जैसे ही मरीज की डेथ हुई फिर जो परिवार के लोग हैं उन्होंने फिर डॉक्टर के साथ मारपीट की, उसी के विरोध प्रदर्शन है। और सिर्फ रायपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों में ये प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से मांग है कि एक सुरक्षा जो डॉक्टर को दी जाए, क्योंकि रायपुर में भी इस तरह की घटना लगातार सामने आती रहती है, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार का रुख है उसका भी इस तरह से विरोध यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान है उसका भी हेमंत, विरोध करना ही काफी नहीं है, सरकारों को बैठकर और साथ ही जूड़ा और सीनियर डॉक्टर्स को बैठकर कोई ना कोई विकल्प ढूंढना होगा, इस तरह की स्थिति हमेशा ना हो। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ग्वालियर से इस वक्त हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा भी जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या ताजा स्थिति ग्वालियर में देखने को मिल रही है? देखिए प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के जारोगा अस्पताल में भी जो जूनियर डॉक्टर है वो 3 घंटे की यहाँ पर हड़ताल पर है, और वो लगातार काली पट्टी बांधकर इस पर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट का लगातार यहाँ विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस पूरी समस्या को लेकर जिसमें डॉक्टर और अटेंडर के आयोजन जो मारपीट होती है उसको लेकर यहाँ के जो डीन है उनको ज्ञापन भी दिया है। तो 3 घंटे के इस हड़ताल के दौरान तो साफ तौर पर जो OPD है उसमें तकरीबन 100 जूनियर डॉक्टरों को यहाँ पर लगाया गया है, और ठीक है जो व्यवस्थाएं थी सुचारू रूप से यहाँ अभी फिलहाल ग्वालियर में चल रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बाबा।